हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द चैप्टर 5 वीडियो. चैप्टर 5, हेने आउटविट्स द जर्मन्स. हेने इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. इज द मेन कैरेक्टर. ओके, ही वॉज जस्ट लाइक अ टेररिस्ट, और ही वॉज अ पर्सन हु वॉज ट्राइंग टू डिस्टर्ब द कंट्री ऑफ जर्मनी, एंड सो द जर्मन एजेंट्स वर आस्क्ड टू कैप्चर हिम. ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. हेने आउटविट्स द जर्मन्स, हाउ ही मेड द जर्मन्स अ फूल, या फिर वो उनको मूर्ख बना के कैसे बचने में कामयाब हुआ. लेट्स बिगिन. यू आर इन अ बस व्हेन यू रियलाइज दैट द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू हैज पिक्ड योर पॉकेट. यू कांट रीच हिम बिकॉज द क्राउड इन द बस बिकम्स एन ऑब्स्टिकल. द पिक पॉकेट इन टर्न रियलाइजेज दैट यू हैव सीन हिम. ही थ्रेटन्स यू बाय शोइंग हिज फिस्ट एंड ट्राइज टू एस्केप बाय जंपिंग ऑफ द बस. व्हाट वुड यू डू? आप एक बस में जा रहे हैं और आपको अचानक से ख्याल आता है कि जो आदमी खड़ा है आपके पास, उसने आपकी जेब में से आपका पर्स निकाल लिया, उसने आपकी जेब कतर ली है. अब आप उसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि जिसने जैसे ही आपकी जेब से आपका पर्स निकाला, वो वहां से भाग गया, और बस में बहुत भीड़ है. आप अब क्या करेंगे? अब उसको एहसास भी है कि आपने उसे देख लिया है, और वो आपको डराना चाहता है आंखें दिखाकर और भागने की कोशिश कर रहा है. अब आप क्या करेंगे? वो तो बस में से जंप कर लेगा. अब आप क्या करेंगे? या तो आप चुप रहें और डर जाएं उसकी बात से और उसको भागने का मौका दें, या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि बस में जो भीड़ है उनके आगे चिल्लाना चालू कर दें, चोर चोर चोर, जिससे कि वो लोग उसको पकड़ लें और वहीं पर ही आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा बाकी लोगों की मदद से. ओके, सो हियर इज द स्टोरी, सेम स्टोरी. हमें क्या करना होगा उस कंडीशन में? व्हाट वी विल डू? वी विल टेक द एडवांटेज ऑफ द क्राउड. हम भीड़ से पूछेंगे, हम भीड़ में चिल्लाएंगे हमारी मदद के लिए, और उसके बाद हम उसमें राहत मिल जाएगी और हम उस पिक पॉकेट को पकड़ लेंगे. सो लेट्स रीड विद द चैप्टर. हेने लर्न्स ऑफ अ प्लॉट बाय द जर्मन्स टू डिस्टेबलाइज इंग्लैंड. हेने जो है उसने एक प्लॉट पढ़ा था, उसने एक प्लान पढ़ा था जर्मन्स का, जो कि किसके बारे में था? डिस्टेबलाइज इंग्लैंड. वो इंग्लैंड को अनसक्सेसफुल करना चाहते थे. ठीक है, तो जर्मन एजेंट्स आर डिटरमाइंड टू कैप्चर हिम. हेने हो सकता है, वी कैन थिंक दैट एज पर द स्टोरी वी कैन थिंक दैट हेने वॉज एन इंग्लिश मैन एंड ही वॉन्टेड टू वर्क इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, बट द जर्मन्स वर अगेंस्ट इट, सो दे वर आस्क्ड टू कैप्चर हेने और टू इम्प्रिजन हिम. रीड दिस एक्सट्रैक्ट टू सी हाउ हेने आउटस्मार्ट द जर्मन्स. वो उनको कैसे मूर्ख बनाता है और उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकता है. फ्रॉम द हिल टॉप आई सॉ सेवरल मैन एडवांसिंग अप द स्लोप. देर वॉज नो बुश और ट्री टू गिव मी कवर. दैन इन द कर्व ऑफ अ स्मॉल रोड बिसाइड अ पाइल ऑफ स्टोन्स आई सॉ अ रोड मैन. मे बी दिस कुड बी अ वे आउट. आई स्विफ्टली वॉक टूवर्ड्स हिम. फ्रॉम द हिल टॉप पहाड़ के ऊपर से आई सॉ सेवरल मैन. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि स्लोप के ऊपर चढ़ते हुए आ रहे थे. देर वॉज नो बुश और ट्री टू गिव मी कवर. अब ऐसा कोई ट्री या फिर झाड़ी नहीं थी वहाँ पे जिससे कि मैं छुप जाता. ठीक है, दान इन द कवर कर्व ऑफ अ स्मॉल रोड. एक छोटे से रोड के मोड़ पे मैंने क्या देखा कि बिसाइड्स अ पाइल ऑफ स्टोन्स, वहाँ पर एक पत्थरों का ढेर था. आई सॉ अ रोड मैन. मैंने एक आदमी को देखा जो कि सड़क की रिपेयर कर रहा था. मे बी दिस कुड बी अ वे आउट. शायद ये एक तरीका हो सकता है. आई स्विफ्टली वॉक टूवर्ड्स हिम. और मैं जल्दी जल्दी भाग कर उसके पास गया. आई सॉ हिम टेक अप अ हैमर टू स्ट्राइक अ स्टोन. वो रोडमैन क्या कर रहा था? वो जो रोड को रिपेयर कर रहा था वो क्या कर रहा था? एक हथौड़े से बार बार एक स्टोन को हिट कर रहा था. देन ही थ्रू इट डाउन एंड क्राइड आउट माई हेड इज बर्स्टिंग. वो हथौड़ा बार बार उस पत्थर पर मारता और जोर से चिल्लाता माई हेड इज बर्स्टिंग, मतलब मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ. ओके, तो हेने जो था वो क्या करता है? वो उस रोडमैन के पास जाता है और उनसे अब आगे क्या कहता है? ही सेज टू हिम यू नीड टू बी इन बेड. वो हेने उनसे कहता है, हेने उनसे जाके कहता है कि आपको तो बिस्तर पर सोना चाहिए. बट आई कांट, ही मोंट, इफ द सर्वेयर डजंट सी मी आई विल बी लेड ऑफ. वो रोने लगा और कहता है कि मैं नहीं सो सकता,
क्यों? क्योंकि इफ द सर्वेयर, जो सर्वे करने आएगा वो अगर मुझे यहाँ काम करता नहीं देखेगा तो वो मुझे मेरी जॉब से निकाल देगा, आई विल बी लेट ऑफ। डज ही नो यू आई आस्क्ड। अब हैने उनसे उससे पूछता है रोडमैन से कि क्या वो आपको जानता है, क्या वो आपको पहचानता है बाय फेस? नो ही हैज जस्ट बीन ऑन द जॉब अ वीक, ही रिप्लाई। तो रोडमैन कहता है नहीं नहीं उन्हें अभी जॉब पर आया सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। देन ऑफ टू बेड विद यू, आई विल टेक योर प्लेस, जस्ट लेट मी बोरो योर स्पेक्टिकल्स एंड हैट, नो वन विल बी एनी वे द वाइजर। अब क्या हुआ, वो कहता है कि ठीक है आप जाकर बिस्तर पर सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर बैठ जाता हूँ, सिर्फ तुम मुझे अपना चश्मा और ये हैट उधार दे दो। नो वन विल बी एनी द वाइजर, और किसी कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं होगा, किसी को पता नहीं लगेगा। विद दैट आई गेव हिम माई जैकेट एंड वेस्ट कोट, आई विल पिक दैम लेटर, आई सेड। विद दैट, और उसने क्या किया, हैने ने अपना जो जैकेट था और वेस्ट कोट था वो किसको दे दिया, उस रोडमैन को। आई विल पिक दैम अप लेटर, मैं इन्हें बाद में आपसे ले लूँगा। एज ही हैप्पीली सेट ऑफ, ही इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ हिज हट। और जब वो गया तो हैने ने उनसे कहा था कि मैं आपसे बाद में अपना वेस्ट कोट या फिर जैकेट ले लूँगा, तो जब वो जाने लगा रोडमैन अपनी झोपड़ी की तरफ, अपने हट की तरफ, तो उसने हाथ से इशारा करके बता दिया कि मेरा हट इस साइड है। आई सेट ऑफ टू वर्क ऑन माई डिस्गाइज। अब क्या हुआ, उसने अब हैने को रोडमैन का वर्क करना था तो उसने अपना थोड़ा सा मेकअप भी किया, एक अपीयरेंस अपना चेंज किया, क्योंकि वो तो एक देशद्रोही था, उसे पकड़ने के लिए लोग आ रहे थे, तो उसने अपना थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लिया। आई रोल्ड इन द डस्ट टू स्टेन माई क्लोथ्स एंड बूट्स, उसने ऊपर अपनी थोड़ी सी मिट्टी भी लगा ली ताकि उसके क्लोथ्स और बूट्स ख़राब हो जाएँ। आई टाइड माई ट्राउजर्स एट द नी विद अ स्ट्रिंग एज अ वर्कमैन वुड, और मैंने जो अपने पैंट्स थे उनको घुटनों पर बांध लिया। देन आई डर्टेड माई हेयर एंड फेस विद मड एंड डस्ट, और उसके बाद मैंने अपना जो मुँह था और अपना जो सिर था उसको डर्टी कर दिया बहुत सारी मिट्टी लगा के। सो ऑफ इट एंटर्ड माई आईज मेकिंग दैम सूटेबली रेड, और इस चक्कर में काफ़ी सारी मिट्टी मेरी आंखों में भी चली गई जिससे मेरी आंखें लाल हो गई। आई पुट ऑन द ग्लासेस, उसके बाद मैंने चश्मा लगा लिया। फाइनली आई बिट माई नेल्स मेकिंग दैम क्रैक्ड एंड अनइवन, और उसके बाद मैंने अपने नाखून भी काट लिए ताकि वो थोड़े से क्रैक्ड और अनइवन लगे। ओके, दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो।